लोग कैसे हैं? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नए नियम आने से लाखों का राजस्व हजारों में सिमटा न के बराबर हो गई है रजिस्ट्री, लेकिन तमाम चीज को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता है। निबंधन कार्यालय से पहले प्रतिदिन 15 से 20 जमीन की खरीद बिक्री का निबंधन होता था, अब वह आंकड़ा 2 से 3 पर आ गया है। ये नया नियम के कारण निबंधन नहीं होने से लोग भी कम आ रहे हैं। इसे मुंशी सहित वहां पर मौजूद दर्जनों संख्या में दुकानदारों एवं समकक्ष जो भुखमरी था दुकान बंद करने की स्थिति उत्पन्न हो गई, जहां से सरकार के लाखों में राजस्व प्रतिदिन प्राप्त होता था। बिहार सरकार की नई निबंधन नियमावली के कारण जो है राजस्व हजारों में सिमट कर रह गया है। अनुमंडल मुख्यालय तो आवर निबंधन कार्यालय मंझौली में जहाँ चहल पहल रहता था, जो निबंधन कार्यालय थे वहां पर चहल पहल रहता था, अब वहां सुन सपाटा दिख रहा है। निबंधन कार्यालय से पहले प्रतिदिन 15 से 20 प्रतिदिन बिक्री का निबंधन होता था, अब वहां आंकड़ा जो है 2 से 3 पर आ गया है। यह नियम के कारण निबंधन नहीं होने से लोग कम आ रहे हैं। इसमें से आपको मैं बता दूं कि वहां जो दुकानें हैं उन पर सुन सपट्टा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, दुकान बंद करने की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। कई चाय तथा मिठाई खान पान के दुकानदार अपनी दुकान बंद कर चुके हैं। मैं बता दूं कि मुंशी में स्टाफ वेंडर घर से सुबह पूजा पाठ करके खाना खाकर आते थे, दिन भर कोई कार्य नहीं होने से अकेले बैठकर शाम को लौट जाते हैं। बता दें कि अवर निबंधक कार्यालय में जो कि मैं पिछले वित्तीय वर्ष में 2022-2023 में सरकार के द्वारा 18 से 67 लाख का लक्ष्य दिया गया था, इसमें अब जो है और अब जो है आपको बता दूं कि 14 से 34 लाख रुपया की राशि प्राप्ति हुई है। तो इसके बारे में जो है अधिकारी क्या कहते हैं, अधिकारी का मत क्या है, चलिए जानते हैं। तो सरकार आप जो है सरकार अपराध नियंत्रण एवं पारिवारिक लड़ाई को कम करने के लिए यह नियम लाई है। इस नियम से परिवार में होने वाली लड़ाई झगड़ा तथा हिंसा में कमी आएगी, लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा जमाबंदी को लेकर कैंप लगाया जा रहा है और जमाबंदी कैंप होने से विभिन्न प्रकार के सरकारी फायदे लोगों को सीधे तौर पर मिल पाएंगे। क्योंकि ऐसा जो है आपको मैं बता दूं कि ऐसा निबंधन कार्यालय के आपको मैं बता दूं कि निबंधन पदाधिकारी बताते हैं कि ये जो है जो नियम है ये भविष्य के लिए जो है शांति और सुख समृद्धि लेकर आएगा, क्योंकि जमीन के मामले में ही अधिकतर झगड़ा होते हैं। तो ये जानकारी कैसा लगा, ये आपको अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।